गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया लाइव क्लास में सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज का मतलब होता है कि वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे हैं वो एक साथ चलते हैं, इस लिंकेज को सेक्स लिंकेज कहते हैं। हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में XX, मेल में XY। ह्यूमन में भी यही अरेंजमेंट है और ड्रोसोफिलिया में भी यही अरेंजमेंट है। हमारे अंदर जो XX फीमेल में, XY मेल में, वैसे ड्रोसोफिलिया में। अब इस एक्स पे सेक्स के जीन्स भी हैं, अदर जीन्स भी हैं। जैसे इसके ऊपर यहां पे ये जीन्स हैं, जैसे इसके ऊपर डिफरेंट करेक्टर के जीन्स मिलते हैं, तो वो इन क्रोमोसोम्स के साथ आगे जाते हैं। जैसे ड्रोसोफिलिया में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर का जीन मिलता है, एक्स के ऊपर आई कलर का जीन मिलता है, तो इसी तरह हमारे पास ह्यूमन में 50 सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स डिस्कवर हुए हैं। अच्छा, अब यहां पे मेल के पास क्योंकि एक्स है और एक वाई है, वाई के ऊपर जीन्स कम होते हैं, फ्यू जीन्स आर देयर, बट एक्स पे जीन्स ज्यादा हैं, इसलिए मेल में सिर्फ एक एक्स होने के कारण कम जीन्स होते हैं किसी करेक्टर के, मींस सिर्फ मदर से आए हुए जीन्स मिलते हैं, और फीमेल में मदर और फादर दोनों से आए हुए मिलते हैं, तो इसलिए फीमेल के पास रिसेसिव जीन होने के चांसेस कम हैं, जबकि मेल के पास रिसेसिव जीन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आप एक एग्जाम्पल देखते हैं ड्रोसोफिलिया का। जैसे एक रेड आइड फीमेल हो, रेड आइड फीमेल को क्रॉस करवाए व्हाइट आइड मेल के साथ, तो आगे कैसी कैसी फीमेल और मेल आ सकते हैं। देखो, रेड आइड फीमेल का मतलब इसके पास ये दोनों जीन्स हैं, व्हाइट आइड मेल का मतलब इसके पास स्मॉल आर है। अभी देखो एक्स आर स्मॉल आर कैसी हो जाएगी, रेड आइड फीमेल हो जाएगी। देन दिस वन, ये भी एक्स आर स्मॉल आर, ये भी क्या होगी, रेड आइड फीमेल होगी बेटा। सिमिलरली यहां पे रेड आइड मेल और ये भी रेड आइड मेल, ये मेल। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस देख सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड जीन्स आगे मेल में कैसे आएंगे, फीमेल में कैसे आएंगे, वी कैन डिटरमाइन बाय दिस मेथड। देन बेटा सेक्स लिंकेज के कारण एक प्रोसेस देखने को मिलता है, दैट इज डायगाइनिक और डायएंड्रिक। डायगाइनिक का मतलब एक डायगाइनिक इनहेरिटेंस है, एक डायएंड्रिक इनहेरिटेंस है। डायगाइनिक का मतलब फादर जो है, फादर मतलब जैसे ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इस फादर का एक्स आगे कैसे पास होगा, जैसे ये पहले फीमेल में पास होगा, जैसे ये देखो ये मेल वाला एक्स है, और फिर इस फीमेल से आगे मेल में पास होगा, मतलब इस पर्सन के डॉटर के आगे जो सन होगा उसमें जो एक्स जाएगा वो इस पर्सन का जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डायगाइनिक इनहेरिटेंस। मेल फीमेल के अंदर जो एक्स है, ये एक्स, ये यहां पे इसकी, इससे आगे पास जो होगा वो पहले मेल में और मेल से फिर आगे डॉटर में, फिर यहां पे डॉटर में, तो इस इनहेरिटेंस को कहते हैं डायएंड्रिक थ्रू मेल और डायगाइनिक थ्रू फीमेल, यानी डॉटर के थ्रू ट्रांसफर होंगे। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही आज क्लास में। इसके बाद एक कंसेप्ट है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी मैंने बता दिया था, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। किस किस तरह से किसी एनिमल का, किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन होता है, उसके कुछ मेथड्स हैं। तो तीन तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है,
पहला बेटा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। इसके बाद है सेकंड बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन से बैक्टीरिया में, और एक होता है बेटा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल कि जिनमें क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन हो रहा हो, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसका एग्जांपल तो फर्स्ट तो हम जो हमारे अंदर मिलता है एक्स एक्स और एक्स वाई, ये सेट मिलता है कि क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन हो रहा है ह्यूमन बीइंग। और कौन है बेटा, अभी पढ़ा था हमने ड्रोसोफिलिया मेलेनोगेस्टर। हमारे पास जो फीमेल और मेल के लिए अलग अलग क्रोमोसोम है, मां के अंदर जो यूट्रस में बेबी है, जैसे यहां पे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, आप दोनों एम्ब्रियो को अगर कंपेयर करो ना, जैसे ये मेल का एम्ब्रियो है और एक दूसरी मदर है उसके अंदर फीमेल का एम्ब्रियो है, तो सिक्स वीक तक दोनों एम्ब्रियो एक तरह से ग्रो करते हैं, मतलब मेल वाला और फीमेल वाला एम्ब्रियो मदर की वोम्ब में स्टेजेस सेम चलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर डिफरेंस कहां आता है, सिक्स वीक में अब मेल वाले एम्ब्रियो के पास क्योंकि वाई क्रोमोसोम है इसलिए उनमें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर रिलीज होता है और वो इस बेबी को मेल में कन्वर्ट करता है। इट मींस हमारे अंदर ह्यूमन में डिफॉल्ट सेक्स क्या हुआ, फीमेल। एम्ब्रियो का डिफॉल्ट सेक्स फीमेल है इन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद बेटा सेकेंड एग्जांपल, एक तो एक्स एक्स है अभी देखा हमने ह्यूमन बीइंग में है, कुछ प्लांट्स में भी है, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्रोमोसोमल अरेंजमेंट मिलता है। सेकेंड एग्जांपल है बेटा एक्स एक्स फीमेल में हमारी तरह ही, और मेल जो होता है वो एक्स नोट टाइप हो। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कॉकरोच इसका एग्जांपल है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड जेड डब्ल्यू यानी हेटरोजाइगस फीमेल है और जेड जेड मेल हो, तो इस तरह के मिलते बेटा कुछ इंसेक्ट्स में, सम बटरफ्लाइज एग्जांपल, सम बटरफ्लाइज एंड मोथ्स। फिर नेक्स्ट है बेटा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में जेड नॉट यानी फीमेल ये है और मेल जो है वो है जेड जेड टाइप में। इस तरह के अरेंजमेंट भी बटरफ्लाइज और मोथ्स में, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनके। इसके बाद जो फिफ्थ है हैप्लोइड और डायप्लोइड, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका एग्जांपल है हनी बी मधुमक्खी में। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा हनी बी में तीन तरह, उसकी कॉलोनी में तीन तरह के मेंबर होते हैं, मेल वर्कर और क्वीन। तो हनी बी विथ थ्री मेंबर्स, क्वीन वर्कर और मेल। जो क्वीन होती है वो डायप्लोइड, वर्कर भी डायप्लोइड, लेकिन मेल जो होंगे वो हैप्लोइड, मतलब अगर हैप्लोइड कोई ऑर्गेनिज्म है तो इट मींस वो मेल है। अब इनमें फिर रिप्रोडक्शन चलती कैसे, ये स्टीराइल होती है बेटा, ये स्टीराइल है, ये क्वीन जो होती है वो फर्टाइल है। अब जैसे ये क्वीन है और एक ड्रोन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेंगे, जैसे ये क्वीन का नंबर क्या है 2n, और जैसे ये मेल है इसके पास नंबर कितना है n, तो इस तरफ से जो n आएगा, अब क्वेश्चन आता है क्या इसमें मियोसिस होगी, नो मियोसिस, क्योंकि ये तो पहले ही एप्लॉइड है तो मियोसिस करने की जरूरत क्या है। इधर मियोसिस होगी इसमें जब मियोसिस होगी तो यहां से जो n नंबर आएगा, अब ये दोनों अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद 2n आता है, 2n से अब ये आगे क्वीन बनेगी या वर्कर बनेंगे,
ये डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे। अगर इसको रॉयल जेली मिलती है तो ये बनती है क्वीन, और अगर इसको नॉर्मल पोलन्स मिलते हैं, नॉर्मल फूड मिलता है, तो ये बनती है वर्कर। वर्कर जो होती है वो स्टीराइल है। अगर इसका आया हुआ कोई गैमीट फर्टिलाइज नहीं करता, अनफर्टिलाइज्ड रह जाए, अनफर्टिलाइज्ड मतलब ये मेल के गैमीट से फर्टिलाइज नहीं कर रहा, अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये बन जाता है बेटा मेल, जिसको आप कहते हैं ड्रोन। तो ये प्रोसेस है हनी बी के अंदर, जिसमें डायप्लोइड जो होंगी वो फीमेल्स और हैप्लोइड जो होगा वो मेल। यहां तक कंसेप्ट हमने क्लास में भी पढ़ा था। इसके बाद आगे एक एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन का। ये तो हो गया बेटा क्रोमोसोमल, तो पहले आप एनवायरमेंटल पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन यानी जिसमें एनवायरमेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी एनिमल के सेक्स के लिए, कि वो मेल है या फीमेल। तो मेल फीमेल के लिए एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा। जैसे पहला एग्जांपल है बोनेलिया, फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल बोनेलिया। ये क्या होता है, एक मैरिन वोम है, मैरिन वोम। इसके लार्वा का कोई सेक्स नहीं होता, लार्वा विद नो सेक्स, मतलब आप उसको ना मेल ना फीमेल कोई नहीं। अब जहां ये सेटल डाउन करता है, जैसे ये सेटल डाउन करता है नीचे सी में लार्वा, अगर ये सेटल डाउन करे आलोन, मतलब वहां कोई नहीं था नीचे, सेटल डाउन आलोन, तो ये बन जाएगा फीमेल। इफ इट सेटल डाउन आलोन तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फीमेल में। और अगर ये सेटल डाउन करता है बिटवीन फीमेल्स, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेल में। अब देखो एनवायरमेंट ने कंट्रोल किया है ना, कि नीचे जहां पे सेटल डाउन हो रहा है अगर वहां कोई नहीं है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फीमेल में। और अगर ऑलरेडी वहां पे फीमेल्स हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेल में। सेकंड एग्जांपल है इसका अमेरिकन एलिगेटर। अमेरिकन एलिगेटर इनमें एग्जाम्पल में बेटा एक टर्टल भी कह सकते हैं, एक टर्टल भी इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, इनमें एनवायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है, इनमें अगर टेम्परेचर है 28 डिग्री से बिलो, 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहे तो कौन आएंगे, मेल। अगर टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस तो क्या आ जाएंगी, फीमेल। और 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इक्वल मेल और इक्वल फीमेल। अब नेक्स्ट है बेटा थर्ड एग्जांपल, नॉन क्रोमोसोमल जीन से सेक्स कंट्रोल हो। थर्ड है नॉन क्रोमोसोमल जीन, इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करता है तो प्लास्मिड में एक फैक्टर रहता है, जैसे ये बैक्टीरिया इसमें ये यहां पे न्यूक्लियोइड एक्स्ट्रा डीएनए मिलता है, उसको हम कहते हैं प्लास्मिड। प्लास्टिड तो प्लांट्स का हो गया बेटा, दिस एक्स्ट्रा डीएनए इज कॉल्ड एज प्लास्मिड इन बैक्टीरिया। तो इसके अंदर जो जीन, जो एक्स्ट्रा डीएनए है, इसके अंदर फर्टिलिटी जीन होता है, फर्टिलिटी जीन। तो जो ये एक्स्ट्रा जीन है, फर्टिलिटी जीन है, इससे जो सेक्स डिटरमाइन होगा, तो इसको हम कहते हैं नॉन क्रोमोसोमल जीन सेक्स डिटरमिनेशन।
ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा इसके बाद वेरिएशन, वेरिएशन कई बार टर्म आई है चैप्टर में, चैप्टर की हेडिंग में भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ देखो बच्चों, वेरिएशन हिंदी में तो हम जैसे कहते हैं ना बदलाव, चेंजेस। अब अगर हम सिंपल प्रिंसिपल देखते हैं जेनेटिक्स का, तो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक मेल और एक फीमेल है, जैसे ये इसके पास से कितने क्रोमोसोम आए n, इससे कितने आएंगे n, आगे बेबी कितने में 2n। जैसे इस कपल के ये चार बेबी हैं, ये चार बेबी इसी एक कपल के, इन चारों बच्चों में जीन्स क्रोमोसोम किससे आए, इन दो से आए, फिर भी इन चारों में डिफरेंसेस हैं, इनमें फिर भी डिफरेंसेस है, मतलब यही आने इसके पास जितने क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास जितना डीएनए उन्हीं में से ही एनएन आया इन चारों के पास, फिर भी इन चारों में आपस में भी डिफरेंस है, पेरेंट्स से भी डिफर करते हैं कुछ करेक्टर्स में। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, चेंजेस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, चेंजेस अमंग members of a species is called variation. Now variation is of two types. अब variation दो तरह की हो सकती है बच्चे, एक तो variation होती है somatic और एक होती है बेटा gametic. Somatic तो होती है other body cells में कोई change हो, gametic होती है sex cells में change हो. सोमेटिक जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये एक लेडी है, एक फीमेल, इसने अपनी नाक में यहां बोर करवा लिया, यहां कान में बोर करवा लिया, करवाते ही ये जो चेंज है ये आगे पास नहीं होगा, मतलब ये तो इसी मेंबर तक ही रह गया। अब अगर इसने बोर करा लिया, इसकी बेटी होती है तो उसको बाय बर्थ थोड़ी बोर आ जाएंगे, तो ऐसे चेंजेस जो सोमेटिक सेल्स में हो यानी अदर सेल्स में हो, नॉट इन सेक्स सेल्स, तो दीज चेंजेस आर सोमेटिक वेरिएशंस, दे आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो पास नहीं होते, इसको कहते हैं सोमेटिक वेरिएशन। जैसे कोई प्लेयर है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्लेयर है, उसने मसल्स डेवलप किए, मसल्स उसकी हैवी है, तो क्या बाय बर्थ बच्चे की होंगी, नहीं, तो इट मीन्स ये कैसा फीचर है, सोमेटिक वेरिएशन। बट सम चेंजेस विच आर इन गैमेटिक सेल्स, जो आगे पास होते हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे किसी पर्सन के, जैसे मेल है तो उसके टेस्टिस की सेल्स में कोई चेंजेस आया, डीएनए में चेंज आ गया, तो वो आगे पास होगा। फीमेल है, उसकी गैमेटिक सेल्स में चेंजेस आ गया, मतलब ओवेरी के अंदर जहां गैमेट्स बन रहे हैं उन सेल्स में अगर डीएनए चेंज होता है, इट विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड गैमेटिक वेरिएशन। तो गैमेटिक वेरिएशन आगे आगे चलती जाएगी, इसमें क्योंकि डीएनए इन्वॉल्व है, इन वेरिएशंस में डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता। तो सोमेटिक वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड, बट गैमेटिक वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। अब सोमेटिक वेरिएशंस जो मैंने भी बताया आपको, इसके एग्जांपल्स सोमेटिक वेरिएशंस जो कि इनहेरिटेबल नहीं है, नॉट इनहेरिटेबल, वो आगे जनरेशंस में पास नहीं करेंगे। तो सोमेटिक वेरिएशंस आती कैसे हैं, सोमेटिक वेरिएशंस जो आती हैं जैसे एनवायरमेंट से आ सकती है, इन्वायरमेंट से, कैसे कोई पर्सन ज्यादा धूप में काम कर रहा है उसका रंग काला हो गया तो वो कैसी वेरिएशन है, इन्वायरमेंट की। यूज और डिसयूज ऑफ द ऑर्गन से आ सकती है, जैसे किसी ने मसल ज्यादा यूज किए हैं तो मसल डेवलप हो गई है तो वो पास नहीं होंगी, जैसे प्लेयर में अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था। थर्ड है बेटा
जैसे किसी ऑर्गन के अंदर कोई चेंजेस आए हों, जैसे कॉन्शियस एफर्ट्स जानबूझ करके, जैसे कान में बोर करा लिए, नाक में बोर करवा दिया, तो वो आगे पास नहीं होगा। तो अब हमने देखना है पहले इन्वायरमेंट से आने वाले चेंजेस जो पास नहीं हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब सारे फैक्टर्स जो हमारे अराउंड होते हैं उसको हम इन्वायरमेंट में ट्रीट करते हैं, जैसे लाइट, जैसे हैबिटेट, ठीक है जी। तो जैसे फूड, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, एनिमीज, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट। तो इनमें एक एग्जांपल है जैसे लाइट का। अब लाइट का यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, जैसे एक फिश है सोलिया, एक फिश एग्जांपल सोलिया, इसके दोनों साइड आईज होती हैं, आईज ऑन बोथ साइड, जैसा फिश में होता है दोनों साइड ही मिलती हैं। अब ये जो अडल्ट फिश होती है ये लेफ्ट साइड से सी फ्लोर के ऊपर रेस्ट करती है, धीरे धीरे इसकी लेफ्ट साइड की पिगमेंटेशन कम हो जाएगी एंड इट्स लेफ्ट आई मूव्स ऑन टू द राइट साइड। देखो ये लेफ्ट साइड से नीचे लेफ्ट साइड पे रेस्ट करती है सी फ्लोर पे, पानी में नीचे जहां रेस्ट करती है वो लेफ्ट साइड से करती है। तो क्या होगा इसमें, देखो कितना बड़ा वेरिएशन है, लेफ्ट आई मूव्स टू राइट साइड, आप इसको नेट पे देखना, लेफ्ट आई राइट साइड को मूव कर जाएगी। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा लाइट का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद बेटा हैबिटेट का, किसी का मीडियम जिस जगह वो रह रहे हैं, हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेस किसी एनिमल का, हैबिटेट का भी कोई इफेक्ट होता है। तो सेकंड है हैबिटेट, हैबिटेट का इफेक्ट भी आता है, जैसे एक फिश है फंडुलस, फंडुलस फिश, इस फंडुलस फिश में अगर हम एग्स, इस फंडुलस फिश के एग्स को अगर आप सी वाटर में रखते हैं जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड हो, तो इसके पास जैसे इसके इसके एग को आप ऐसे वाटर में रखिए जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट हो, तो देखो आप कितना बड़ा वेरिएशन आता है, सिंगल आई इन प्लेस ऑफ टू आईज, सिंगल आई इन प्लेस ऑफ टू आईज, ये देखो ये इफेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा जैसे यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन का, ये दो ही कर लेना है इसमें, तो एनवायरमेंट में जो पहला टॉपिक है लाइट में, सेकेंड है बेटा यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। इसका तो एग्जांपल सारे जानते हैं, जैसे इसमें एक आप प्लेयर्स का एग्जांपल दे सकते हो कि उनकी मसल्स डेवलप करती हैं। सेकेंड इसमें एक एग्जांपल दे सकते हो लायन का, एक लायन जो जंगल में है, एक लायन जो जू में रख रखा है आप, तो जो जू में रख रखा है वो वीक होता है, जो जंगल में है वो स्ट्रांग होता है। इसके बाद अगला तीसरा टॉपिक बेटा कॉन्शियस एफर्ट्स, कॉन्शियस एफर्ट्स, कॉन्शियस एफर्ट्स जैसे ईयर बोर और जैसे नोज में बोर, कान में और नाक में लेडीज बोर करवाती है, होल करवाती है जिसके थ्रू ऑर्नामेंट्स पहनते, तो वो करेक्टर कैसा है, सोमेटिक है, वो आगे पास नहीं होगा। तो यहां तक पढ़ना बेटा आपने बुक से, कल हमने आगे नेक्स्ट लेक्चर में गैमेटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन करनी है जिसमें जर्म सेल्स में यानी गैमेटिक सेल्स में वेरिएशन आए हुए हों, वो आगे पास होंगे, ये पास नहीं होंगे, ये आपने याद रखना है। ये थर्ड चैप्टर में ये कंसेप्ट डिटेल में है, तो यहां तक आपने अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।